विधानसभा बल्लारीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय सत्ता प्राप्त करो संकल्प यात्रा के तहत बल्लारीगढ़ में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। बल्लारीगढ़ में सत्ता हासिल करो यात्रा का आगाज करते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दाऊराम रत्नाकर ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक सामाजिक हर मोर्चे पर असफल रही है। नोटबंदी, जीएसटी और हाल ही में एटीएम में नकदी की किल्लत से जाहिर होता है कि सरकार की नीतियां कमजोर और गरीब वर्ग की मुसीबतों को बढ़ा रही हैं। रत्नाकर ने दावा किया कि दोनों ही सरकारें जनता की अदालत में विश्वसनीयता खो चुकी है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रमन सरकार नक्सल समस्या के समाधान के लिए ध्यान ही नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार न केवल गरीब जनता के साथ बीते 15 साल से झूठे वादे और आश्वासन देने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। वहीं दूसरी कड़ी में संगठन को मजबूत करने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दाऊराम रत्नाकर को सिक्कों से तोला गया। वहीं सत्ता प्राप्त करो संकल्प यात्रा बल्लारीगढ़ कार्यक्रम में सदानंद मारकंडे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कामदा जोल्हे, प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रामेश्वर खरे, विधायक लाल साय खूटे, पूर्व विधायक दजूराम बौद्ध, पूर्व विधायक और जोन प्रभारी श्याम टंडन, प्रदेश महासचिव रामेश्वर कैवर्त, प्रदेश महासचिव और बहुजन समाज पार्टी की जिला जोन विधानसभा सेक्टर पोलिंग के कार्यकर्ता के साथ स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। शादी विवाह का सीजन है, आप बैंक जाइए, एटीएम में जाइए, आपको पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे किसान भाइयों, कब सोचोगे, कब सोचोगे? जिला बलौदा बाजार नगर पंचायत